गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नीता कानंदू, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन मैं BSc पार्ट थर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आपको बताऊंगी। यह आज आपकी अपनी पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में कि हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसको अपन देखेंगे। तो इसका पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 50 मार्क्स का होता है। इसमें क्वेश्चंस जो है 3 यूनिट्स मिल हैं अपने पास। जो यूनिट फर्स्ट है वो है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इसमें हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स। इसी के पार्ट बी में हम पढ़ेंगे थर्मोडाइनमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ थर्मोडाइनमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लेनर एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इसके पार्ट सी में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। इन दिस पार्ट में टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, स्पिन ओनली फॉर्मूला, LS कपलिंग, कोरिलेशन ऑफ न्यू एस एंड न्यू इफेक्टिव वैल्यूज, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मूवमेंट, एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट डेटा फॉर 3D कॉम्प्लेक्सेस। यूनिट टू में फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सिलेक्शन रूल ऑफ DD ट्रांजिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ऑर्गन लेवल डायग्राम फॉर D1 एंड D9 स्टेट, डिस्कशन द इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ टाइटेनियम H2O6+3 कॉम्प्लेक्सेस। बी है ऑर्गनोमेटेलिक केमिस्ट्री, डेफिनेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गनोमेटेलिक कंपाउंड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, बॉन्डिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्काइल मिनरल ऑफ लिथियम, एल्यूमिनियम, मर्करी, टिन एंड टाइटेनियम, अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेटल इथिलीन कॉम्प्लेक्सेस एंड होमोजेनिट्स एट हाइड्रोजनेशन, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स एंड द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। न्यूक्लियर केमिस्ट्री पार्ट सी में स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर NP रेशियो, आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, डिसइंटीग्रेशन सीरीज, क्यू वैल्यूज, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, सेपरेशन, एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। पार्ट यूनिट थर्ड में बेसिक ऑफ बायोनैनिक केमिस्ट्री, एसेंशियल एंड ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, मेटिलोप्रोफीन विथ स्पेशल रेफरेंस टू हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, बायोलॉजिकल रोल ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आयन विथ स्पेशल रेफरेंस टू कैल्शियम नाइट्रोजन फिक्सेशन, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस इज हार्ड एंड सॉफ्ट बेस इन HSB थ्योरी, एसिड बेस स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, सिम्बायसिस, थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। एंड सी पार्ट में सिलिकॉन्स एंड फॉस्फिजोन्स, सिलिकॉन एंड फॉस्फिजोन्स एज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑफ बॉन्डिंग इन ट्राई फॉस्फिजोन। इसके लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो टेक्स्ट बुक 3-4 ऑथर्स के आते हैं, उनमें आप देख सकते हैं CBH की, RBD की, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी में, तो वो टेक्स्ट बुक्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें अपन सबसे पहले यूनिट, जो भी यूनिट स्टार्ट करेंगे अपन उससे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।